करंट अफेयर्स में हु इज हु इन एजुकेशन सेट टू, फर्स्ट सेट हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर तो आप न्यूज़पेपर सुनते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जहाँ न्यूज़ सुनते हो, वह इजी टास्क है, तो फिर ये वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे साथ साथ क्वेश्चन को करके फिर उसको लर्न कैसे करना है, साथ में ही छोटी सी स्ट्रेटजी होगी, अगर आपके लिए सूटेबल होगी आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज मेरे लिए जो सूटेबल थी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फर्स्ट इज हु इज द करंट वाइस चांसलर ऑफ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। मेरी एक आदत है, मैं अंडरलाइन ज़रूर करता हूँ वाइस चांसलर, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैं कर रहा हूँ। वीसी पूछा है और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पूछा है। ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर जसपाल सिंह संधू, डॉक्टर एस पी सिंह, डॉक्टर आर के कोहली, डॉक्टर जसपाल सिंह। तो मैंने याद कैसे रखा है, मैंने गुरु नानक देव जी से जोड़ दिया इसको, गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी का जस करना, जस करना होता है उपमा करनी, है ना, तो गुरु नानक देव जी का जस करना, इतना ही याद रखा, क्योंकि राइट आंसर जसपाल है। अब जसपाल सिंह भी है, जसपाल सिंह संधु भी है, तो राइट आंसर क्या है कि जसपाल सिंह, डॉक्टर जसपाल सिंह संधु जी, तो गुरु नानक देव जी का जस कर रहे हैं संधु साहब, एक सेंटेंस सिर्फ बोलना है, याद हो गया, इससे ज्यादा नहीं। संधु साहब गुरु नानक देव जी का जस कर रहे हैं, या गुरु नानक देव जी का जस कर रहे हैं संधु साहब, इतने में याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अब इसको याद कैसे करना है, प्रोफेसर राजकुमार, प्रोफेसर अरुण ग्रोवर, प्रोफेसर जगदीश कुमार और प्रोफेसर रेनू विज, हिंदी में है, तो इसमें एक ही फीमेल है, ये प्रोफेसर राजकुमार, हाँ मेल है, मेल है, मेल है, एक ही फीमेल है। इसको लर्न करने की स्ट्रेटजी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों 141 साल के इतिहास में, सॉरी 114 लिखा गया, ये हो गया 141, क्योंकि पंजाब लाहौर से ये वो यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुई थी, तो इसका इतिहास बड़ा लंबा है, और फर्स्ट टाइम कोई फीमेल वाइस चांसलर है, तो ये याद हो गया कि फीमेल वाइस चांसलर है, मेल को आपने डिलीट कर दिया। हाँ, दूसरा मैंने चंडीगढ़ से जोड़ लिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का आर उठा के रेनू के साथ जोड़ दिया, प्रोफेसर रेनू विच, तो ये याद हो गया। सॉरी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के वाइस चांसलर कौन है। नेक्स्ट है हमारे पास, इनकी थोड़ी सी डिटेल, क्योंकि इन पर ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोफेसर रेनू विज वाज अपॉइंटेड वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी ऑन वेंसडे, शी, न्यूज़पेपर में से निकाला है मैंने, शी इज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, वाइस प्रेसिडेंट, एडिशनल नॉलेज क्या है इसमें, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर, तो ये दूसरा क्वेश्चन हु इज हु में हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हु इज आल्सो चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पंजाब यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में है, यूटी में है, और यूनियन टेरिटरी के जो चांसलर हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के गवर्नर होते हैं, तो अब उनके, अगर ये पूछा जाता है कि उनके चांसलर कौन है, तो जगदीप धनकर जी आ रहे हैं। अगर ये पूछा जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर, और ऑप्शन दी जाती है, तो वो आप चूज करोगे वाइस प्रेसिडेंट। तो एक और न्यूज है, पूरी न्यूज नहीं पढ़ूंगा, द फॉर्मर 13वें वाइस चांसलर राजकुमार, है ना, इनसे पहले कौन से वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का, अगर पूछा जाता है तो उनका राज खत्म हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी से, ये याद रखने के लिए राजकुमार। किसी को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कहना, सिर्फ ये याद करने के नुक्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हु इज हु में, हु इज द करंट वाइस चांसलर ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, हिंदी में भी साथ में करेंगे, ये रहा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ये रहा पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में वर्तमान कुलपति कौन है, हिंदी में साथ में, कई बार आप हिंदी से एसोसिएशन कर सकते हो, दोनों भाषाओं को इक्वली यूज़ करना है, जहाँ सूटेबिलिटी है उसको यूज़ कर लेना है।
तो अब ऑप्शन क्या है हमारे पास, प्रोफेसर अरुण कुमार ग्रोवर, अरुण कुमार ग्रोवर है ना, ग्रोवर साहब। दूसरा जसपाल, जसपाल हम गुरु नानक देव जी का जस गा चुके हैं, संधु साहब गा चुके हैं, प्रोफेसर निश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट वाइस चांसलर ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। अंडरलाइन करना है क्योंकि एसोसिएशन इन्हीं में से ढूंढनी है। पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के वर्तमान कुलपति कौन है? इधर ऑप्शन गलत पड़ गई है, दैट इज वायर हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ, प्रोफेसर अरुण कुमार ग्रोवर, क्योंकि सबसे ऑड वर्ड है उसको आपने ढूंढना है, एसोसिएट करना है। नॉर्मल कोई वर्ड जो नाम का है किसी दूसरे नाम के साथ मिल सकता है। प्रोफेसर जसपाल ये हो चुका है, गुरु नानक देव जी के जस जो संधु साहब गा रहे हैं ये हम कर चुके हैं। प्रोफेसर अरविंद है ना, ये राइट आंसर है। प्रोफेसर भूपिंदर सिंह बराड़ है ना, इनका बराड़ साहब है, तो राइट आंसर अरविंद जी हैं। अरविंद से हमने कैसे जोड़ना है, ये रहा अरविंद, इतना ही याद रखना है क्योंकि इतना ही नाम मिल रहा है उनका न्यूज़पेपर में भी। अब पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का मैंने ए उठा के यहाँ पर पटियाला का अरविंद है ना, ए से ए को जोड़ दिया, याद रह गया कि प्रोफेसर अरविंद हैं इनके वाइस चांसलर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के। जब पटियाला बोला मैं ला को लटका देता हूँ, बोल के भी कर सकते हैं, उस जो वॉवल या कॉन्सोनेंट व्यंजन या स्वर जो भी आता है वर्ड में जिससे आज एसोसिएशन करनी है उसको लटका लो, पटियाला आ अरविंद है ना, ये स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट है, हुज करंट वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है। पंजाब के केंद्रीय विद्यालय, हाँ केंद्रीय विद्यालय बठिंडा, हर जो स्टेट है उसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो पंजाब की सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बठिंडा में है, ऑलरेडी उत्तर है। तो नॉर्मली हु इज हु में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें से किसी का वाइस चांसलर पूछा जाता है। प्रोफेसर अरुण कुमार ग्रोवर इनके पीछे आ चुका है, ये नहीं है राइट आंसर। प्रोफेसर राघवेंद्र पी तिवारी, राघवेंद्र पी तिवारी, प्रोफेसर पी आर ओसवाल, प्रोफेसर वरिंदर सिंह बराड़ है ना, ये दो बार आए हैं, कन्फ्यूज कर सकते हैं, लेकिन राइट आंसर प्रोफेसर राघवेंद्र पी तिवारी है। इनमें से मैंने तिवारी को जो है अंडरलाइन किया है, तिवारी याद रखना है, जैसे पटियाला का अरविंद याद रखना है, गुरु नानक देव जी का जस याद रखना है, ऐसे ही तिवारी, तिवारी को किसके साथ जोड़ा, मैंने सेंट्रल के साथ जोड़ा, तिवारी, ये रहा तिवारी है ना, राघवेंद्रा तिवारी। और बठिंडा का भी जो, सॉरी, अगर आपने सेंट्रल के साथ ये जोड़ा है, आर के साथ राघव, राघव बहुत है, आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी हिंट मिल जाते हैं, एक थोड़ा सा हिंट ढूंढना होता है, यहाँ तिवारी भी काफी होगा, लेकिन अब जब सेंट्रल आया, क्योंकि ये टेम्परेरी आपने याद करना है, सेंट्रल आया, टी आर मैंने निकाला, और इसका तिवारी और इसका राघव, दो याद है, जरूरी नहीं ऑर्डर ऐसे करना है, बाकी से सब कुछ मिल जाएगा। सो सेंट्रल का मुझे याद हो गया, टी और आर, तिवारी एंड राघव। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु इज करंट गवर्नर ऑफ पंजाब, क्योंकि वो चांसलर होते हैं, अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी का चांसलर, गुरु नानक का चांसलर पूछा जाता है तो आंसर ये होगा, ये हु इज हु में डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। श्री वी पी सिंह, हिंदी में भी पढ़ लें, बदनौर है ना, तो बदनौर इज मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट। श्री बनवारी लाल पुरोहित, मेरे ख्याल पुरोहित वो होते हैं शायद रिलीजियस हिंदू में, पंडित जो होते हैं शायद, मेरे में ऐसे इमेज बन रही है, जो इमेज मेरे माइंड में बनी है उसके साथ आपने जोड़ना है। आपकी इमेज मेरी इमेज से, मेरे मीनिंग जो पुरोहित के हैं आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, अगर आपको कोई इजी वर्ड मिलता है तो उसके साथ है ना जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब ये बनवारी लाल आता है ना तो मुझे वो गुरबाणी का शब्द भी याद आया, ओ बनवारिया कृपा कर बनवारिया, मतलब मैंने, मुझे याद है, मैं उससे जोड़ सकता हूँ। आप कुछ ऐसा बनवारी के साथ कुछ आपका एसोसिएशन है, आपके किसी रिश्तेदार का नाम है उससे जोड़ लीजिए, लाल के साथ है, अकेले लाल के साथ, वो हो सकता है। तो अब हमें याद कैसे करना है, क्योंकि यही राइट आंसर है। क्वेश्चन है, हु इज करंट गवर्नर ऑफ पंजाब। एक तो मैंने ये कर लिया कि पाल का लाल कर लिया, कोई लाल है, हमारा राज्य पाल है लाल, ऐसे हो गया।
दूसरा अगर हिंदी इंग्लिश में करना है तो गवर्नर का मैंने वी के भी वी वर्मा वनवारी मैंने ऐसे एक बार लिखा या देख लिया, गवर्नर ऑफ पंजाब व ये डंडी नहीं बीच में डालो वन वारी लिखा है ना, जरूरी नहीं है ठीक लिखना, यहाँ गलती भी आप ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है ये याद रखना है। तो पुरोहित जोड़ सकते हैं आप, गवर्नर जी पुरोहित हैं हमारे, हमारे गवर्नर साहब पुरोहित हैं। दूसरी बात, जहाँ पर आम आदमी की सरकार नहीं है वहाँ पर, मतलब बीजेपी से सरकार नहीं है वहाँ पर नॉर्मली गवर्नर जो है बीजेपी का होगा, दैट इज़ वाई। तो बीजेपी को आप पुरोहित से जोड़ सकते हो, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। हमें किसी के अगेंस्ट या किसी के फेवर में, हाँ फेवर में तो जितनी मर्जी बात कर सकते हो, अगेंस्ट किसी की बात नहीं करनी, लेकिन लर्न करने की ये स्ट्रेटजी है। बाकी तो चलो राइट ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर हमने ये निकाल लिया है, पंजाब के गवर्नर वर व व से बनवारी है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद ये अब हैं, श्री ये ABCD यहां से उड़ा है इधर कर लेते हैं, श्री वेंकैया नायडू, प्रणब मुखर्जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। थोड़ा सा अजीब हो सकता है हमारे लिए, मोर मू ऐसे करके तोड़ के इसको समझ लेना है, याद कैसे रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना। मुझे ऐसा लगा कि महामहिमा शायद इनको बोलते हैं राष्ट्रपति को, तो अगर महामहिमा है तो मैंने महामहिमा से महाभारत, महाभारत है ना, महाभारत याद रख लिया, और महाभारत में द्रौपदी, द्रौपदी ऐसे ही एसोसिएशन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा अगर ये याद रहता कि ये भी फीमेल हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में जो अब वाइस चांसलर हैं मैडम, कैसे याद किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, र से रेनु विज, ऐसे ही जब महामहिमा की बात आती है, राष्ट्रपति की बात आती है, तो महाभारत, महाभारत में द्रौपदी, द्रौपदी मुर्मू, दूसरा महाभारत से मुर्मू भी जुड़ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है 16वां 17वां क्वेश्चन ये है, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन पीछे इसका उत्तर हो गया है ना, तो इसकी एसोसिएशन कोई बनती है शायद ना बने, उपराष्ट्रपति, तो क्योंकि पीछे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि राइट आंसर जगदीश, जगदीश हाँ धनकर, धनखड़ है, ए जगदीप धनखड़, तो इनमें से कोई एसोसिएशन जोड़ सकते हैं, उप से है जोड़नी, उप से उपराष्ट्रपति, ऐसे भी हो सकता है उपराष्ट्रपति जी खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं जब राष्ट्रपति जी आते हैं, तो खड़े से खड़, ये एक छोटा सा वर्ड आप इनके साथ जोड़ सकते हो, इतने में याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होल्ड द पोजीशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो प्रेजेंट लोकसभा में स्पीकर कौन है, अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला ये है, ओम बिरला, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तो आप डिलीट करके भी राइट आंसर तक पहुंच सकते हो क्योंकि ये मिनिस्टर हमें दिखाई दे रहे हैं है ना, तो ओम बिरला जी बच रहे हैं। अगर सीधा याद करना है कि स्पीकर, मैंने इसे विजुअल मेमोरी से याद रखा है क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि पार्लियामेंट की इमेज मेरी आंखों में बनती है, कैसे बनती है, उसको जहाँ बनाने लगा हूँ, ये रहा, ये पार्लियामेंट है, यहाँ जो एक साइड में ऐसे बैठे होते हैं, अब तो पता नहीं है, है ना, ऐसे होते हैं शायद, ये शायद रास्ता होता, मेरे इमेज जो बनी है वो मैंने बनाई है, ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ सेंटर में क्या होते हैं स्पीकर, जो इनको सारा, जिनको ये एड्रेस करते हैं, तो यहाँ पर जब स्पीकर में बनाता है ये हो गए, सेंटर में क्या है, ओम, ओम, इतना याद रहा कि ओम क्योंकि परमात्मा के नाम से जुड़ता है, तो ओम जो है सेंटर में है, हम उसको अरदास करते हैं, कुछ ऐसी एसोसिएशन एकदम बना के, मैंने ऐसे याद रखा था, मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी और तरह से याद कर सकते हो, तो सो ओम बिरला,
और कोई एसोसिएशन करनी है, लोक ओ ओम ओ से जोड़ लिया, सभा का बिरला से जोड़ लिया, बी का ये रहा, बी का बिरला से जोड़ लिया, ओम बिरला है ना, ओम काफी रहेगा, इतनी रेपिटेशन में वैसे ही याद हो जाता है। हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2023 में कौन है, है ना, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर। अब राइट आंसर क्या है, हमारे पास ये राइट आंसर है धर्मेंद्र। तो इसको याद रखने के लिए वेरी इजी कि अब हमारे इन हमने क्या करना है, मैंने क्या किया है, तो ये इनको तो इजीली हम जोड़ सकते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, क्या है, धर्मेंद्र प्रधान है, तो शोले फिल्म जहाँ कोई धर्मेंद्र जी की पिक्चर आपको याद है उसके साथ जोड़ दीजिए कि धर्मेंद्र साहब के पास हमारा अब एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारे है ना प्रधान बने हुए हैं। इतने में समझ आ जाएगी, यहाँ पर विजुअल जो है मेमोरी वो काम आएगी धर्मेंद्र जी। और इसका एक एडिशनल क्वेश्चन और साथ में दे रहा हूँ, इन एडिशन टू एजुकेशन विच अदर मिनिस्ट्री डज धर्मेंद्र प्रधान करंटली होल्ड, इनके पास और कौन सी मिनिस्ट्री है, ये भी पूछा जा सकता है और इसको दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है। उसमें एक उत्तर है कि वो मिनिस्ट्री कौन सी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक वर्ड छोटा सा याद रखना है, बाकी बेशक भूल जाओ, स्किल डेवलपमेंट। तो धर्मेंद्र जी की स्किल देखिए, है ना, आप कोई स्किल कह सकते हो, सोशल स्किल कह सकते हो, कुछ सोशल स्किल, इनसे रिश्ता बनाने की स्किल कैसी है, और कोई बंदूक चलाने की, रिवॉल्वर चलाने की, अटैक करने की, कोई स्किल के साथ इनको जोड़ लेना है, बस इतनी सी बात है, ये याद हो गए कि धर्मेंद्र जी के पास एजुकेशन है और इनकी स्किल जो है ये वाली जो आपके मन में है। तो ये हु इज हु थे, नेक्स्ट सेट में भी आपसे मिलते हैं, और कोई क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, बाकी के उत्तर आपके साथ साथ में दे रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।